तो बेसिकली हम डिस्कस कर रहे हैं वीवीए माइक्रो प्रोग्रामिंग के ऊपर। चलिए हम थोड़ी सी फंडामेंटल और जानते हैं। जैसे मैं बात कर रहा हूँ कि वीवीए प्रोग्रामिंग हमने कल सीखा क्या होता है, किस किस तरह की चीज़ें बनाते हैं, क्या क्या चीज़ें बनती है, कब यूज करेंगे कब यूज नहीं करेंगे, इनके बारे में हमने नेक्स्ट क्लास में जाना था। आज हम आपको ये बताने वाले हैं कि वीवीए यूज करने से पहले क्या क्या चीज़ें प्रिपरेशन करनी होगी। सबसे पहले तो आपके पास डेवलपर टैब होना चाहिए। अब ये डेवलपर टैब डिफॉल्ट आपके एक्सेल में होता नहीं है, तो इसके लिए आपको अपना फाइल मेनू बार के अंदर जब जाते हैं तो आपको नीचे ऑप्शन दिखेगा। इस ऑप्शन पे आप आएंगे और इस ऑप्शन पे आने के बाद यहाँ कस्टमाइज रिबन आपको दिखेगा। कस्टमाइज रिबन पे आप क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आप यहाँ डेवलपर टैब, जिसका चेक बॉक्स इस तरह से अनचेक होगा, इसको चेक करके और फिर ओके करते ही डेवलपर टैब आपके पास आ जाएगा। तो आपके पास डेवलपर टैब चाहिए क्यों? नेविगेशन के लिए, क्योंकि विजुअल बेसिक एडिटर मतलब जहां पे आप कोडिंग करेंगे वहां जाने के लिए डेवलपर टैब होना चाहिए। माइक्रो को रिकॉर्ड करने के लिए, रन करने के लिए और बहुत सारे फीचर्स होते हैं इसमें, जिसका यूज हम वीवीए के साथ करते हैं। अब दूसरा आता है हमारा सिक्योरिटी लेवल को एनेबल करना। देखिए आप अगर माइक्रो सिक्योरिटी डिफॉल्ट माइक्रोसॉफ्ट आपको डिसेबल करके रखता है तो आपको एनेबल करना होगा, क्योंकि आप एनेबल नहीं करेंगे तो जब भी आप अपनी मैक्रो वाली फाइल को खोलेंगे तो आपको एक पॉपअप देगा एनेबल माइक्रो। जब तक आप एनेबल नहीं करेंगे तब तक माइक्रोज आपका रन नहीं होगा या अनेबल। लेकिन अनेबल करने से पहले आपको बता दूं कि माइक्रोसॉफ्ट यहाँ रिकमेंड नहीं कर रहा है, क्योंकि हो सकता है वायरस जैसा कोड रन हो सकता है। अगर इसको अनेबल करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि कौन से फाइल में माइक्रो है और कौन से फाइल में माइक्रो नहीं है। ओके, तो हम चलते हैं फोल्डर में। जब आपके पास कोई फाइल आती है तो उसमें माइक्रो है या नहीं है कैसे पता चलता है? तो ये देखिए मेरे पास कुछ फाइल है जिसके आइकन्स है, हम आइकन से समझते हैं। देखिए इस तरह का जो आइकन आपको दिख रहा है, इस तरह का जो आइकन दिख रहा है जिसका एक्सटेंशन होता है .xls, एक्सेल की फाइल, या फिर ये टेम्पलेट की फाइल होती है या CVS फाइल होती है, तो इन सबों में माइक्रो नहीं होता है। ये माइक्रो डिसेबल फाइल, ये माइक्रो को कैरी करते ही नहीं है, तो इसमें माइक्रो नहीं होगा, आप इसमें डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन जिस फाइल में इस तरह का आइकन लगा होगा, एक्सप्लेनेशन मार्क लगा होगा, इसका एक्सटेंशन होता है .xls m, m फॉर माइक्रो। इसमें आपका डेटा भी हो सकता है और माइक्रो हो सकता है। डेटा को भी कैरी करता है और ये माइक्रो को भी कैरी करता है, तो आप एक बार ध्यान रख ले कि अनट्रस्टेड फाइल है तो थोड़ा सा सोच समझ के खोले। लेकिन अगर इस तरह का फाइल आइकन आपको मिल रहा है, इसका मतलब है कि ये है एड इन फाइल, क्योंकि इसमें सिर्फ एक जो जो होगा इसमें माइक्रो ही होगा, डेटा होगा ही नहीं, क्योंकि ये माइक्रो फाइल ही होती है। अगर किसी अनट्रस्टेड सोर्स से अगर इस तरह की फाइल आ रही है तो मेरा क्लियर आपको सलाह है कि आप इस फाइल को नहीं खोले, बिल्कुल नहीं खोले। तो एनेबल करने से पहले इन चीजों के बारे में जान ले। अब बैक टू हम एक्सेल आते हैं जहां पे हम बात करेंगे एनेबल का। इसके बाद आप ओके कर दीजिए, ये आपका एनेबल हो जाएगा। तीसरा जो करना है, आप जिस फाइल के अंदर आप माइक्रो बनाना चाहते हैं उस फाइल को करना है सेव। लेकिन सेव किस में? माइक्रो अनेबल वर्कबुक में। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि चेक नहीं करते हैं और इसको XLSX में सेव कर देते हैं। मेरे पास ये मोस्टली बच्चों का कॉल आता है कि सर मैंने माइक्रो बनाया था, रिकॉर्ड किया था, जब तक फाइल ओपन थी चल रहा था, फाइल को सेव किया, दोबारा खोला तो इसमें माइक्रो दिख नहीं रहा है। इसके पीछे रीजन क्या होता है? रीजन होता है कि उन्होंने फाइल को सेव कर दिया था .xls x में, जो कि सिर्फ डेटा को कैरी करता है, माइक्रो को कैरी नहीं करता है, उसके सारे माइक्रो डिलीट हो गए। इसलिए माइक्रो लिखने से पहले ही फाइल को यहाँ सेव कर ले, ताकि
ताकि बाद में आपको भूलने का डर ना हो। तो ये माइक्रो लिखने से पहले, माइक्रो कोडिंग करने से पहले ये आपको चीज़ें करनी होगी। अब जैसे बहुत सब, जैसे मैं मोस्टली फाइल माइक्रो ही बनाता हूँ, तो मैं सेटिंग में जाके हम डिफ़ॉल्ट फाइल जो है सेम में जाके डिफ़ॉल्ट फाइल टाइप को मैंने माइक्रो एनेबल वर्कबुक ही कर रखा है, कि मैं गलती से भूल भी गया फिर भी मेरा फाइल माइक्रो एनेबल वर्कबुक में ही सेव होगा। तो तीन चीज़ें मैंने यहाँ पे क्लियर किया आपको। पहला कि डेवलपर टैब होना चाहिए, दूसरा माइक्रो सिक्योरिटी को एनेबल करना चाहिए, लेकिन एनेबल करने से पहले इसके रिक्स के बारे में बताया मैंने आपको, और तीसरा फाइल को सेव करना है माइक्रो एनेबल वर्कबुक में, और गलती से भी माइक्रो को सेव नहीं करना है डॉट एक्सएल वर्कबुक में। अब क्वेश्चन आता है कि हम प्रोग्रामिंग लिखेगा, तो इसके लिए आप डेवलपर टैब में यहाँ विजुअल बेसिक दिख रहा होगा, उस पर क्लिक कीजिए। क्लिक करते ही आपको कुछ इस तरह का विंडो आएगा। अब मैं पहले बता दूं कि इसको इंस्टॉल वगैरह करने की जरूरत नहीं पड़ती है, ये एक्सेल के साथ इनबिल्ड होता है, मतलब कि वीबीए प्रोग्रामिंग को लिखने के लिए कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है, ये आपके एक्सेल के साथ इनबिल्ड होता है। जो ये सामने विंडो खुल के आया उसको बोला जाता है विजुअल बेसिक एडिटर, वीबीई, विजुअल बेसिक एडिटर। अब इसमें आपके सामने इस तरह का विंडो आएगा, इसमें दो चीजें आपके पास होनी चाहिए, पहला प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर, दूसरा प्रॉपर्टी बार। प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर बताएगा आपको कि आपने कितने फाइल खोल रखे, उस फाइल का पूरा लिस्ट, उस फाइल के अंदर कितने शीट्स हैं, शीट्स के नाम क्या, सब कुछ बताएगा। तो नेविगेशन के लिए जरूरत होगी, क्यों? क्योंकि जब हम कोडिंग करेंगे तो किसी फाइल की प्रॉपर्टी में ही वो सेव होगी ना, तो किस फाइल के अंदर सेव होगी वो हमें डिसाइड करना होता है कोडिंग करते समय, क्योंकि अगर हम फाइल नहीं दे तो फिर वो कोड कहाँ रहेगा, क्योंकि फाइल के साथ ही कोड होगा, तभी तो फाइल जब कहीं पे जाएगा तो उसको अपने साथ अपना कोड भी लेके जाएगा, ताकि वहां पे वो माइक्रो को परफॉर्म कर सके। इसलिए प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर और आपका प्रॉपर्टी बार होना चाहिए। अगर प्रॉपर्टी बार आपके पास या प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर नहीं है, तो आपको यहाँ टूल्स में आना है, और टूल्स, सॉरी माफ कीजिएगा, टूल्स नहीं, व्यू में आना है, और यहाँ इसके शॉर्टकट भी दिख रहे हैं, और यहाँ पे क्लिक भी कर सकते हैं, हालांकि यहाँ सामने आइकन भी है, इस पे क्लिक भी कर सकते हैं। उसके बाद आती है कि हम कोडिंग लिखे कहाँ। तो सबसे पहले जिस फाइल के अंदर आपको कोड लिखना है उस फाइल में जाए, हालांकि वो फाइल डिफॉल्ट आ जाता है, अगर कभी नहीं आया तो आप उस फाइल के अंदर जाएं। अब यहाँ पे जितने भी शीट्स है ना, हम शीट के ऊपर डबल क्लिक करके ये जो व्हाइट विंडो आया इस पे भी हम कोड लिख सकते हैं, जैसे कि मैं लिख दिया कि सब आ रहा, अच्छा ई कुछ भी ऐसा नाम दे दिया, चलेगा। आप आएंगे यहाँ माइक्रो लिस्ट में तो आपको माइक्रो भी दिखेगा, लेकिन प्रॉब्लम है कि किसी ने शीट को कर दिया डिलीट, डिलीट करते ही आपके पास माइक्रो गया, इसलिए हम किसी शीट पे डबल क्लिक करके माइक्रो नहीं टाइप करेंगे। तो क्या दिस वर्कबुक में करें? नहीं, दिस वर्कबुक में करेंगे तो प्रॉब्लम होगा कि दूसरे फाइल के साथ वो रेफरेंस नहीं ले पाएगा। जब भी हम प्रोग्रामिंग करते हैं इसके लिए एक नया मॉड्यूल इंसर्ट करते हैं, कहाँ से? इंसर्ट से। आप देखेंगे इंसर्ट, और इंसर्ट में आके हमने यहाँ एक मॉड्यूल इंसर्ट कर लिया, इसका डिफॉल्ट नाम आप यहाँ देख रहे हैं मॉड्यूल 1। हालांकि इस नाम को यहाँ प्रॉपर्टी बार में जाके चेंज भी कर सकते हैं कि PR_1, अब इसका नाम PR1 हो गया, हालांकि चेंज करने की जरूरत नहीं है। अब बात आती है कि एक मॉड्यूल में हम कितने माइक्रो बना सकते हैं, वो डिपेंड करता है आपके यूज पे, ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं। अब जो ये व्हाइट एरिया दिख रहा है यहाँ पे हमें करनी होती है कोडिंग। तो कोडिंग में सबसे पहले आपको सब्जेक्ट डिफाइन करना होता है, तो यहाँ आप पब्लिक सब या सब लिख सकते हैं, यहाँ सब लिखें, स्पेस दीजिए और दीजिए माइक्रो के नेम। अब स्पेस एक भी दे सकते हैं और एक से ज्यादा भी दे सकते हैं, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो माइक्रो का नेम, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख दिया टेस्ट, ब्रैकेट ओपन क्लोज। अब यहां पे अपना एंटर प्रेस करना है, एंटर प्रेस करते ही यहां देखिए एंड सब आ जाएगा, और बाहर आप जब देखेंगे माइक्रो लिस्ट में तो आपका एक टेस्ट नाम का माइक्रो
दिख गया। इसको रन करने से मैक्रो परफॉर्म करेगा, लेकिन अभी कुछ किया नहीं क्योंकि हमने इसके अंदर कोई कोड लिखा ही नहीं, हमने जस्ट अभी मैक्रो को क्रिएट किया है। तो यहाँ मेरे पास सब्जेक्ट है और यहाँ पे एंड सेफ, हम जो भी कोड लिखेंगे इन्हीं के बीच में लिखेंगे, जो भी आपको काम करना है वो हम इसी के बीच में लिखेंगे। अब हम बात करते हैं नेमिंग में, जब माइक्रो का नेम देते हैं तो कुछ चीज़ का ध्यान दीजिएगा, माइक्रो के नेम के बीच में किसी भी तरह का स्पेशल करैक्टर नहीं होना चाहिए, जैसे कि डैश स्पेस डैश डॉट कॉमा, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। ठीक है, और क्या नहीं होना चाहिए, एक नाम के दो मैक्रो नहीं होने चाहिए, एक नाम के दो मैक्रो नहीं होने चाहिए, और साथ में राज वन राज टू ऐसे थ्री करेक्टर और न्यूमेरिक भी नहीं चलेगा। क्यों क्यों नहीं चलेगा, जब इसको आप रन करेंगे तो देखिए सीधे चला जाएगा राज वन, क्योंकि राज वन नाम का एक रेफरेंस है, राज वन थ्री फोर फाइव ऐसे आपका रेफरेंस है। तो तीन करेक्टर क्यों किया, क्योंकि आपका कॉलन का जो करेक्टर होता है वो तीन करेक्टर का होता है, तो तीन करेक्टर और न्यूमेरिक आप यूज नहीं करेंगे, लेकिन कभी यूज करना पड़ेगा मुझे ऐसा चाहिए तो इसके बीच में आप अंडरस्कोर लगा सकते हैं। तो नाम जो है तीन करेक्टर और नंबर नहीं होना चाहिए, नाम के अंदर में किसी तरह का स्पेशल करेक्टर नहीं होना चाहिए, अंडरस्कोर ले सकता है, और तीसरा आपने समझा कि जब भी कोई नाम देंगे वो डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए। आप लोगों को डाउट इसमें, अगर कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं आप लोग। नहीं सर, यहाँ तक क्लियर है। चलिए अब इसमें बात आती है कि हम प्रोग्रामिंग लिखे तो लिखे क्या। बेसिकली चार तरह के मेन कोड होते हैं, पहला होता है एप्लीकेशन, दूसरा होता है वर्क, तीसरा होता है शीट्स, चौथा होता है रेंज। अब ये है क्या, देखिए जब भी हम कोई सेंटेंस बोलते हैं उसका फर्स्ट वर्ड मोस्टली नाउन या प्रनाउन होता है, अंग्रेजी में, हिंदी में संज्ञा कह सकते हैं। उसी तरह से आपके वीवीए प्रोग्रामिंग में जब भी हम लाइन ऑफ द कोड लिखते हैं वो कोड मोस्टली इन चार में से एक हो सकते हैं। अब चार में से एक कौन होगा वो डिपेंड करेगा कि उस कोड के जरिए आप करवाना क्या चाहते हैं, वो अगर एप्लीकेशन को इफेक्ट कर रहा है तो एप्लीकेशन से शुरू होगा, जैसे कि डिस्प्ले अलर्ट को मुझे हटाना है या मुझे स्क्रीन अपडेटिंग को फॉल्स करना है तो एप्लीकेशन का सेटिंग है तो एप्लीकेशन के साथ चलेंगे। वर्कबुक एक फाइल, जैसे नई फाइल ओपन करनी है, पुरानी फाइल को क्लोज करनी है वगैरह वगैरह, तो उस केस में हमें वर्कबुक का यूज करेंगे। शीट्स, शीट्स को इफेक्ट करने वाला है, जैसे शीट ऐड करना, शीट डिलीट करना, शीट को रिनेम करना, ऐसे कामों का जो कोड लिखेंगे वो शीट से शुरू होगा। और रेंज, किसी सेल से रिलेटेड, A11 सीएन से रिलेटेड कुछ है तो हम वो रेंज से शुरू करेंगे। जैसे एग्जाम्पल मुझे एक नई फाइल ऐड करनी है तो हम कोड क्या लिखेंगे, हम कोड लिखेंगे वर्कबुक्स डॉट एड, या मान लीजिए हम एक पर्टिकुलर फाइल को सेव एज करना है तो हम लिखेंगे वर्कबुक्स और पर्टिकुलर फाइल का नाम विथ एक्सटेंशन डॉट, क्या करना है तो सेव एज करना है, कहाँ करना है तो पाथ, पाथ विथ एक्सटेंशन, जैसे कि ई ड्राइव के अंदर 2021 के अंदर इन्वर्टर कॉमा देना पड़ेगा, नेम पाथ होगा इन्वर्टर कॉमा में दिलाता दिया जाता है स्लैश 123.xlsx। तो कोड लिखने का सिंपल तरीका है कि वर्क आपका ये आता है मेंबर, वर्कबुक कहाँ कहा गया, मेंबर कहा गया, या मेंबर सॉरी मेथड कहा जाता है इसको, कि मेथड, सॉरी मैं गलत बोल रहा हूँ,
मेथड का टाइप होता है, इसको ऑब्जेक्ट कहा जाता है। कि वर्कबुक ऑब्जेक्ट, बुक वर्न इज द ऑब्जेक्ट डिटेल, इसको बोला जाता है मेंबर। मेंबर जो होता है वो सेव एज होता है, दिस द मेंबर, दिस द मेंबर डिटेल। अगर सिंपल सी बात बोले कि कहाँ पे क्या करना है, सिंपल कहाँ पे क्या करना है, इस तरह से हम कोड को लिखते हैं। लेकिन जो कोड लिखते हैं, कोड का जो सीक्वेंस होता है वो डिपेंड करता है हमारे एल्गोरिदम के ऊपर। अब बोलेंगे ये एल्गोरिदम क्या होता है, तो चलिए आपके सामने उस चीज को समझाते हैं। जैसे मान लीजिए कि मुझे सर, एक एक नई चीज पूछना पूछिए। था। हाँ, वो आपने उसमें जो वर्कबुक्स वाले में जो लिखा था 2021 और 1 2 3, तो वो ऑलरेडी सेव्ड पाथ है अपने पास, या फिर वो पाथ बनाना पड़ेगा? ये आपके पास पाथ होना चाहिए, पाथ क्रिएट नहीं करेगा, ओके ओके, ठीक ये है, पाथ ये होना क्रिएट चाहिए। नहीं करेगा, ठीक है। ठीक है सर, ओके सर। इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन है, इसमें आपने एक्सटेंशन पहले बुक डॉट xls x आ गया, फिर लास्ट के पाथ के बाद एक्सटेंशन दे दिया, वैलिड है? देखिए क्या है कि आपके फाइल का नाम जब नहीं चलेगा, फाइल जहां जहां फाइल नेम होगा उसका एक्सटेंशन देना ही होगा, ठीक है ना, अच्छा ठीक याद है। रखिएगा। फाइल को आइडेंटिफाई नहीं करेगा, अब सिर्फ फाइल को आइडेंटिफाई नहीं करेगा, उसके साथ उसका एक्सटेंशन भी देना पड़ेगा। नहीं, आपने जो इसका डेस्टिनेशन पाथ में दिया है ना, हाँ, xls यहाँ भी x होगा, 123 क्योंकि डॉट हमने xls हम क्या कर रहे हैं, हम बुक वन को सेव एज कर रहे हैं, तो सेव एज करते समय हम लोकेशन अच्छा और फाइल नेम चूज करते हैं ना, फाइल में, ओके और फाइल नेम जो ओके चूज बटन करते हैं, बटन तो शायद आपने ध्यान नहीं दिया होगा, आपके पास डिफॉल्ट जो होता है वो फाइल हाँ बुक वन पाथ होता डिफॉल्ट नीचे होता है, इसको आप चेंज कर सकते हैं। है। यहाँ फाइल पाथ, ओके फाइल का टाइप जो होता है वो एक्सटेंशन, इसी को एक्सटेंशन कहा जाता है। यहाँ दिख ऐसा रहा है लेकिन वो एक्सटेंशन होगा, ठीक है। ओके तो मैं यहाँ पे बात कर रहा था कि हम कैसे डिसाइड करेंगे क्या कोड लिखना है। बेसिकली वो डिपेंड करता है एल्गोरिथम के ऊपर। तो मान लीजिए कि मेरा एल्गोरिथम कहता है सबसे पहले कि स्टार्ट, एक माइक्रो स्टार्ट करना, ऐड न्यू फाइल या न्यू वर्कबुक जो भी लिख सकते हैं, ठीक है, सेव एज 1 2 3 डॉट एक्सएलएस इन डी ई स्लैश 2021, ठीक है, एड न्यू शीट्स, शीट रीनेम, क्योंकि शीट को हम ऐड करके रीनेम नहीं कर सकते ना, इसलिए रीनेम शीट एज ए डेटा, ठीक है, सिलेक्ट A1, एंटर नेम, राइट, सेलेक्ट B1, एंटर रोल, हेलो। हाँ एक मिनट सर, ओके तो यहाँ पे एंटर रोल और फिर यहाँ पे सेलेक्ट C1, एंटर मार्क्स। अब मुझे अपना कोडिंग इसी के बिहाफ पे करना है, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले आता है स्टार्ट, इट मीन यहाँ पे हम दे देते हैं एंड, इट मीन्स कि आपने
अपना मैक्रो डिक्लेयर किया। स्टार्ट इट मीन्स मैक्रो डिक्लेयर, सब हमने यहाँ पे दे दिया आर आर स्लैश वन, नाम ऐसे आर आर दे देता हूँ, आप अपने हिसाब से दीजिएगा। यहाँ पे एड न्यू फाइल, तो यहाँ हमने लिखा वर्कबुक्स डॉट एड, अब आता है सेव एड। अब सेव एज के लिए मैंने एक कोड बताया राइट, पर प्रॉब्लम है कि हमेशा बुक वन थोड़ी ऐड हो, तो यहाँ आपको कोडिंग लिखते समय सिचुएशन को भी समझना होता है, क्योंकि हमें जो वर्कबुक ऐड हुई है ना उसको सेव एज करना है 1 2 3 के नाम से। हम सेव एज का कोड होता है कि वर्कबुक विथ नेम सेव एज और यहाँ पे पाथ, तो ये पाथ वगैरह ये तो चलो ठीक है, लेकिन ये वर्कबुक का जो नेम है ना ये प्रॉब्लम आ गई कि हमेशा बुक वन नहीं होगा, कोई बुक टू बुक थ्री बुक फाइव हो सकता है। लेकिन इतना पता है कि जब भी फाइल ओपन होती है, जब भी फाइल नई फाइल क्रिएट करते वो एक्टिव होती है, तो यहाँ हम फाइनली एक्टिव वर्कबुक भी कर सकते हैं, वो एक्टिव वर्कबुक और फिर हमने डॉट सेव एज करके पाथ दे दिया, तो हमारा दो लाइन ऑफ कोड कंप्लीट हो गया कि हमने नया फाइल को ऐड कर ली और उसको सेव एज कर दिया इस पाथ में। अब बात आती है कि नई शीट ऐड करना, तो यहाँ हम करते हैं शीट्स डॉट ऐड और उसको भी रिनेम करना है। अब शीट का नाम भी पता नहीं मुझे, लेकिन इतना पता है जो शीट ऐड होती है ऐड किया वही एक्टिव है क्या, तो यहाँ हम जैसे एक्टिव वर्कबुक किया ऐसे एक्टिव शीट भी कर सकते हैं। एक्टिव शीट डॉट नेम इक्वल टू डेटा, ठीक है। अब कह रहा है सिलेक्ट ए वन, मतलब जो सीट ऐड हुई इसका नाम डेटा किया उसके ए वन पे कर्सर रखना है, तो यहाँ हम लिखेंगे क्योंकि हम सेल्स को ए वन वी वन सी वन को हम रेंज के नाम से जानते हैं, रेंज ए वन डॉट सिलेक्ट, ठीक है। अब यहाँ पे आता एंटर नेम, तो यहाँ पे हमने लिख दिया कि सिलेक्शन जो सिलेक्ट है या जो एक्टिव है यहाँ पे एक्टिव सेल डॉट वैल्यू इज इक्वल टू नेम, ठीक है। और बाकी नीचे कोड भी बिल्कुल सेम है, सिर्फ चीजें चेंज हो रही है, तो यहाँ पे हम यहाँ पे डाल देते हैं कि ए वन के जगह पे ये हमारा हो जाएगा बी वन, ये हो जाएगा हमारा सी वन, नेम के जगह पे हो जाएगा रॉ और ये हो जाएगा मार्क्स, जैसे कि आप देख पा रहे हैं राइट। तो हमने जो कोडिंग किया वो अपने एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग किया। अब बोलेंगे सर ये तो बच्चों वाली चीजें थी, हम ऐसे भी लिख सकते थे, सर एग्जाम्पल के लिए बताया, लेकिन क्या होता है कि आप अगर अपने फाइल पे काम करते हैं, अपना फाइल का मैक्रो बनाते हैं तो ठीक है, आप मन से लिख दीजिए, ए इस तरह का एल्गोरिथम लिखने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब आप किसी और का रिपोर्ट बनाएंगे तो उसके कंडीशंस उसके स्टेप्स होने चाहिए, जैसे कि यहाँ पे सिलेक्ट ए वन एंटर नेम दिख रहा है, अब दो नहीं होगा सिंपल एंटर नेम हो जाएगा, तो कंफ्यूजन होगी कि हमें नेम एंटर कहाँ करना है, क्योंकि बिना सिलेक्ट किए हुए हम कोई चीजें एंटर नहीं कर सकते ना, हमें उस लोकेशन पता होना चाहिए कि मुझे ए वन पे या बी वन पे या सी वन पे हमें लिखना है। ऐसे ही आपको पिवट लगाने से पहले डेटा सेलेक्ट करना पड़ेगा, कॉपी करने से पहले डेटा सेलेक्ट करना पड़ेगा क्या। तो एल्गोरिथम जब हम बड़े बड़े रिपोर्ट को जब ऑटोमेट करते हैं, जो घंटे दो घंटे की में जिसमें 100-200 स्टेप्स होता है, तो हमें एक एक स्टेप को इस तरह से क्लियरली लिखना होता है, क्योंकि एक कोड जस्ट एक स्टेप को फॉलो करता है। सर तो ये A1, B1, ये मतलब सेल और नंबर को ये करना मतलब ये कंपलसरी है। देखिए रेंज हुआ तो रेंज हुआ तो कौन सा, जैसे आपने फाइल हुआ तो कौन सा फाइल, यहाँ पे फाइल का नाम दिया ना हमने, शीट होगा तो कौन सा शीट, ऐसे ही अगर हमने रेंज दिया तो कौन सा रेंज, क्योंकि यहाँ तो 10 लाख रो और 14 कॉलम मतलब कि बहुत सारे सेल्स है ना जी, तो आपको बताना पड़ेगा ना कि हाँ ए वन ए वन बी वन सी वन सर रेंज रेंज ए वन बोले तो सेल ए वन ऐसा होना चाहिए ना। हाँ रेंज इट मीन सेल, रेंज इट मीन सेल। मैंने बताया कि एप्लीकेशन मतलब हो गया आपका एक्सेल का सॉफ्टवेयर, वर्कबुक मतलब हो गया एक पर्टिकुलर फाइल, शीट्स मतलब सीट जो आता है शीट वन शीट टू, और रेंज का मतलब जो आपका ए सेल आता है ए वन बी वन जो सेल आता है वो सेल, ठीक है। सर, तो एक चीज है सर, बोलिए सर, जैसे आप रेंज में बोल रहे हैं ए वन,
ठीक है, अगर मुझे किसी फाइल से पूरा एक कॉलम पूरे ए रो को ही बताऊंगा, डायनामिक रेंज सिलेक्शन बताऊंगा, अभी बस अच्छा वो टाइम कोडिंग से पहले जी जी हमने क्या बताया प्रिपरेशन ऑफ द यूजिंग द VBA, VBA यूज करने से पहले आपको थोड़ा समझा रहा हूँ कि VBA है क्या, ठीक है ना। अभी हम आपके काम पे नहीं आया है कि हाँ ऐसा काम करना ऐसा काम करना, उसके लिए तो प्रोग्रामिंग है, बात करेंगे। अभी समझिए बस VBA का आप ABCD सीख रहे हैं, A for apple, B for ball, D for dog, ठीक है ना। सर ये एक बार रन करके देखेंगे, हाँ रन हो सकता है लेकिन देखना पड़ेगा कि ई ड्राइव के अंदर 1, 2, 3 पहले से तो नहीं है, ये ऑलरेडी है, दिख रहा है, सेव नहीं किया, यस करना पड़ेगा, बिल्कुल परफेक्टली वर्क किया, इसके डेटा शीट देखिए, रोल नेम, रोल नंबर, मार्क्स डाल दिया, ठीक है, यस सर, जी हाँ, तो वर्क करेगा, ठीक है, राइट सर। तो अभी आपको सीखना है एल्गोरिथम, तो आप जो ऑफिस में काम करते हैं आप कम से कम 2 काम का इस तरह का एल्गोरिथम बना के, चाहे नोटपैड पे ही, पेन पेपर पे ही बना के, या फिर एक्सेल पे बना के, वर्ड पे बना के, उसका फोटो खींच के मुझे व्हाट्सएप पे, मैं देखना चाहता हूँ कि आप स्टेप को तोड़ पाते कि तोड़ पाते। जैसे A1 पे नाम लिखना है तो इसके 2 स्टेप हो गए ना, A1 पे कर्सर रखना और नाम लिखना, समझ रहे हैं बात को सर। तो ऐसे ही आपको एल्गोरिथम में भी तोड़ना होगा, तो क्योंकि एल्गोरिथम तोड़ेंगे तभी उसी हिसाब से कोड होगा, और एक कोड एक लाइन एक कोड एक लाइन एक ही स्टेप को फॉलो करता है, 2 को नहीं करता है। एक सीक्वेंस ऑफ एक्शन सर भी रख ले और नाम भी लिखवा दे, नहीं हो सकता एक लाइन में, सर इसका मतलब हमें सीक्वेंस ऑफ एक्शन, हाँ सीक्वेंस ऑफ द एक्शन पता होना चाहिए। आप लोग इसको बनाइए, बना के दीजिए, और जहां जहां आप गलती करेंगे हम आपको बताएंगे कि यहाँ पे हाँ करना है, और कल जो है हम रिकॉर्डिंग माइक्रो के बारे में डिस्कस करेंगे।